दोस्तों मैं हूं अख्तर हुसैन और आज का वीडियो है दोस्तों यूनो एसबीआई के बारे में। आप विदाउट इंटरनेट बैंकिंग के यूनो एसबीआई में किस तरह से रजिस्टर करेंगे और रजिस्टर करने के बाद आप अपना इंटरनेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड भी आपको मिल जाएगा और बेझिझक आप यूनो एसबीआई को बड़े आसान तरीक़े से यूज़ भी कर सकते हैं। तो आपको प्ले स्टोर में जाके यूनो एसबीआई ऐप को इंस्टॉल कर लेना है और उसको ओपन कर देना है। तो जैसे ही यूनो एसबीआई ऐप को ओपन करेंगे उसके बाद आपको तीन ऑप्शन देखने को मिल जाएगा और तीनों में से आपको जाना है बीच वाले ऑप्शन पे एग्जिस्टिंग कस्टमर, यहाँ पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा और तीन ऑप्शन में से जाना है आपको बीच वाले ऑप्शन पे जहाँ पे है रजिस्टर विथ एटीएम कार्ड डिटेल्स। आप अपना एटीएम कार्ड को पास रखिएगा और अकाउंट नंबर को भी पास रखिएगा और उसका डिटेल्स भर के आप यहाँ पे रजिस्टर कर सकते हैं। तो आपको देना क्या है, आपको सीआईएफ नंबर डालना है और उसके बाद अकाउंट नंबर डालना है। डालने के बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है और आपका मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, उसको आपको डाल देना है। डाल देने के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको डालना है यहाँ पे एटीएम कार्ड नंबर और एटीएम पिन, ये दोनों को आप बेझिझक डाल दीजिए। डालने के बाद आप जैसे ही नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे या फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद यहाँ पे आपका अकाउंट डिटेल्स आ जाएगा, आपका अकाउंट नंबर, सीआईएफ नंबर, ब्रांच कोड इंडिया और मोबाइल नंबर, और ये सब के बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। और नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको सेट करना है टेम्पोररी पासवर्ड। तो टेम्पोररी पासवर्ड किस तरह से आप क्रिएट करेंगे, तो टेम्पोररी पासवर्ड के लिए आपको नेम का कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और स्पेशल कैरेक्टर यानी कि एट द रेट डॉट, ये सब आपको यूज़ करना है और नंबर यूज़ करना है, ये सब डाल के आपको पासवर्ड क्रिएट करना है। तो पहले घर पे आप पासवर्ड डाल दीजिए, उसके बाद सेम पासवर्ड दूसरे पे भी डाल दीजिए। डाल देने के बाद दोस्तों आप जैसे ही सबमिट पे क्लिक करेंगे उसके बाद आपका मोबाइल पे एक एसएमएस आएगा, जिस एसएमएस में आपका टेम्पोररी आईडी दिया होगा। तो उस आईडी को आप फिर से आप होम पेज पे चले जाइए और जाने के बाद आप एग्जिस्टिंग कस्टमर में जाने के बाद आप लॉगिन करिए। इंटरनेट बैंकिंग का आईडी पासवर्ड डाल के जैसे लॉगिन करते हैं वैसा ही लॉगिन के दिए, और आईडी में आप जो एसएमएस में जो आईडी नंबर आया है उसको डाल दीजिए और पासवर्ड में आप जो टेम्पोररी पासवर्ड सेट किए हैं उसको डाल दीजिए। डाल देने के बाद आप जैसे ही लॉगिन पे क्लिक करेंगे, करने के बाद आपको बोला जाएगा कि आप न्यू आईडी और न्यू पासवर्ड क्रिएट कीजिए, क्योंकि ये था टेम्पोररी पासवर्ड और टेम्पोररी आईडी। तो आपको मनमर्जी आपका आईडी बना लेना है, आपका नाम से हो या फिर किसी भी तरह का आप आईडी बनाना चाहते हैं तो आप उसको बना लीजिए। और उसके बाद आप खुद से पासवर्ड भी दे सकते हैं, जो पासवर्ड आपको बताया गया है उसी तरह से देना, कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर और दोस्तों स्पेशल कैरेक्टर और नंबर, ये सब मिला के आप पासवर्ड को सेट करना। और सेट करने के बाद आप जैसे ही कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे आपका परमानेंटली सेट हो जाएगा। उसके बाद आप फिर से लॉगिन कर दीजिए, जो न्यू आईडी पासवर्ड आपका बना है उसको डाल के आप लॉगिन कर दीजिए। लॉगिन करने के बाद आप बेझिझक इस यूनो एसबीआई ऐप का मज़ा ले सकते हैं और किसी भी मोबाइल पे या फिर किसी भी कंप्यूटर पे भी आप आपका इस आईडी पासवर्ड को डाल के इंटरनेट बैंकिंग को भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इस तरह से आपका इंटरनेट बैंकिंग भी बन जाएगा और यूनो एसबीआई भी आप बड़े आसानी से यूज़ कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच दोस्तों, आज का वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो मैं रोजाना लेके आता रहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।